मजा आ रहा है। अपने भाई के साथ नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके? मेरे बहुत ही बढ़िया है, होप आप सबके भी बहुत अच्छे हाल होंगे। एंड आज है हमारा शूट का पहला दिन। एंड भाई सुबह सुबह उठ के जो हालत ख़राब होती है ना, लेकिन भाई काम है, करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या सीन था यार, हमारी ना एक बड़ी वीडियो लिखी हुई है, बहुत मतलब बहुत मैसिव प्रोजेक्ट है वो। तो उससे पहले हमें एक छोटी वीडियो डालनी थी, सो आज हम उस छोटी वीडियो के शूट के लिए आएँ। यहाँ पे लाइक दो तीन दिन का शूट है, ज़्यादा दिन का शूट नहीं है, छोटी वीडियो है एंड बट फनी है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अभी सब लोग आ चुके हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मुझे पढ़ने वाली है बहुत लताड़ अभी हर्षू से। अभी आगे चलते हैं और मिलते हैं सबसे। हेलो, ये क्या टाइम है? अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ है तो तेरे बेटे क्या हुआ? सुना सुइया हुई लगी हुई थी। बढ़िया लग रहे हो यार, क्या बात है। ऐसे फोटो खींचना, जूता बड़ा दिखे। जूता बड़ा दिखे, ऐसे तो खींचते हैं फोटो ऐसे करके। एस्थेटिक फैशन इन्फ्लुएंसर। फैशन इन्फ्लुएंसर कैसा लग रहा है? आपने इतनी महत्वपूर्ण सीरीज में मोहित चिकारा का रोल खा लिया। मैंने खाया नहीं। आपने है। खा लिया? मैंने खाया नहीं। आपने है। अरे हमारी, मैं आज ऑडियंस को बताना चाहूंगा, मोहित चिकारा आपको भी, इसने मेरे कान में आके बोला था कि मैं ये रोल करना चाहती हूँ, कुछ कर। इसलिए मैंने डील हुई थी, नहीं बताना ये तो। अब धीरे धीरे तू व्लॉग चैनल भी खा लियो, उसके बाद हम बर्बाद कर देंगे। Yes. देख लो मोहित भाई, ये मुझे असली चेहरा दिखाना था। कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही पड़े हैं, आते हैं बस पड़े रहने के लिए। हम छोटी सी परेड निकाल रहे हैं यहाँ पे, वी आर द प्राइड। दादा साउंड के लिए यहाँ बैठ के जाना पड़ेगा आपको। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, आपका यहाँ पे रोल छीना गया है आपको, आपने आपके प्रसिद्ध रोल से निष्कासित किया गया है। अगली वीडियो में क्या होने वाला है ये तो बता दो। हमने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम भी शुरू कर दिया है, यही फोन होते ना कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास। बोलने का बात चाहिए, कैसे आ रही है बात? सुन, नंबर तो नहीं है ना। हम व्लॉग बना रहे हैं, कंटेंट लेंगे। कैमरा पे ये फैंस आए, आपके फैंस आए, मिल लो जरा। आपको कैसा लगता है? आपको यहाँ पे राजीव गांधी बेरोजगार योजना के तहत काम मिलता रहता है? पर पैसे भी तो नहीं मिलते ना, बात तो यही है, सबको मिलते हैं यहाँ पे। मेकअप दादा को पैसे वाला काम करो, अच्छा काम करो तो मिलेंगे क्यों? भाई यार सोचा था ठंड में शूट कर रहे हैं, सुबह तक मौसम बढ़िया था, मैं जो ऐसी प्रचंड धूप हो रही है ना अभी, ऐसी प्रचंड, ऊपर से एक तो ये खुला मैदान है, देखो ये यहाँ पे शूट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे खुले मैदान में शूट कर रहे हैं ऐसी प्रचंड धूप में। भाई मजाक से हट के फट जाती है, जब भी ऐसे खुले मैदानों में शूट होता है ना, मेरी रूह कांप जाती है, मैं डर जाता हूँ कि नहीं यार यहाँ ना हो बस। आप किन की रक्षा करते हैं? रात में निकलते हैं आप दिन में? ये किन की करता है बता दे, पूरी हुई पूरी लगी। किन की रक्षा करते हैं? करता हूं। हाँ बता बता, इसमें पिन लगी फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म के आप रक्षा को? मजा आ रहा है, क्या व्लॉग बना रहा है? कंटेंट मैं कर देगी, मैं कसम से मैं स्टार्टिंग में डर रहा था कि कोई मेघना को बता रहे हैं। कह रहे मुझे पूरी उम्मीद थी। ये अब आया ना नूर चेहरे पे, इधर दिखाओ इधर दिखाओ। ओ भाई बढ़िया लग रहा है, मजाक से हट के मास्क विदाउट मास्क नहीं सही आ रही है भाई। नूर लुक तो दे रहा है, नूर आ गया बे। यही कमी लग रही थी, वैसे स्कूबा डाइविंग वाले लग रहे थे। ओए तू सुपर हीरो है ना, उड़ के दिखा। अभी थक गया भैया, कल कर, उड़ के दिखा। अभी थक गया, उड़ के दिखा। हे वो भक्के, मेरी स्पेशल पावर क्या है? क्या है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच भक्ति है। ट्रेनिंग मोड पे हूं अभी, सीख रहा हूं मैं, उड़ जाऊंगा। एक दो दिन का टाइम दे दो। सुबह तक लग रहा था इतना चेयरफुल बच्चा, अभी देखो क्या हालत हो रखी है मेरी। कुत्ता बना देता है शूट, कसम से खज हो जाती है खज। और भाई मेरे तो सोच के फट रही है, जो बड़ा वाला शूट मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ना, उसमें तो क्या ही हाल होने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 25 दिन का रेगुलर शूट होगा। भाई बहुत हेक्टिक जॉब है,
मजाक से हटके बैट लगा रहे हो, एक बैट बैट लगा रहे हो। मोनोलॉग कितने टेक में दोगे? तेरे को लगता है कितने में? तो बना करो। मेरा है 4। मैं तो खुद अंडर 5 बोल रहा था। लात तो मेरे को पूरा है, बट पता है क्या? हाँ हाँ बताओ बताओ। फंबल ना हो जाए। फंबल नहीं होगा। तुम दे दोगे तीसरे टेक में? इसमें पूरा लूँ? मैं एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है? इंसान को अगर इंसान की तरह देखोगे जेंडर के हिसाब से नहीं, तो शायद हमें ये फैंसी टर्म्स को आजकल तुम जैसे लोग अपना उल्लू सीधा करने में यूज़ करते हो, उसकी हमें जरूरत ना पड़े। रिस्पेक्टेड सरला देवी चौधरानी ने जब भारत सिनेमा मंडल के साथ एक नई सोची शुरुआत की थी कि औरतों को एक सम्मान माना जाए, तो शायद एक सम्मान माना जाए। एक सम्मान लिखा है इन्होंने, एक सम्मान लिखा है। अगर लिखा होगा तो एक सम्मान, एक सम्मान। तो एक सोच शुरुआत की थी कि औरतों को सम्मान माना जाए। सम्मान है वो, औरतों को समान समान माने। अबे समान मतलब, समान मतलब इक्वल, इक्वल। तो एक मैंने तो सम्मान माना जाए। सम्मान मतलब रिस्पेक्ट। तो फिर क्या हिंदी नहीं पड़ी है? समान समान। अब मैं हक दूंगा औरतों को एक सम्मान माना जाए। सम्मान नहीं समान, एक सम्मान, एक सम्मान, सम्मान, एक सम्मान बोल रहा हूँ मैं। अरे सम्मान बोल रहा, सम्मान समान। अबे क्या बोल रहा है पागल, मेरा फोन। सम्मान होता है रिस्पेक्ट, सम्मान। तो मैं क्या बोलूं? तुम बोलो समान। समान क्या औरतों को सम्मान माना? सम्मान फिर सम्मान मांगे। समान तो बोल, आया आया, शूट की बात कर रहा हूं। अरे समान मतलब इक्वल होता है, इक्वल। सम्मान यार मैंने ना सम्मान दे सम्मान ले लूं भाई, मतलब थोड़ी है उसका। जब भारत स्त्री मां मंडल के साथ एक नई सोच की शुरुआत करी थी ना कि औरतों को एक सम्मान माना जाए, तो उनको 1% भी एहसास नहीं हुआ होगा कि उनकी सोच आजकल तुम जैसे लाखों लोगों के रेलेवेंट बनने का साधन बन के रह जाएगी। तो यार आज है शूट का डे 2 और सुबह से बहुत रखा था कि हमारे घर पे कुछ तार, मतलब ऑफिस में शूट है और तार वार जल गई थी, तो लाइट पूरी चली गई थी और बिना लाइट के ऑफकोर्स शूट नहीं कर सकते, तो कम से कम 3-4 घंटे का डिले हो गया है। और बाकी अब लेकिन फास्ट फास्ट करेंगे कि जल्दी जल्दी सब कुछ निकले और हमारा जो आज का स्केड्यूल है वो पूरा हो जाए। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने बहुत मस्त सेट बनवाया है, जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम उधर था, तो हमें चेंज करना था उसको सीन के हिसाब से। दिखाता हूँ। अब देखो जी, लाइट में ना अपना कैमरा भी उठा लिया जी। मैंने इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग करी है, ये रूम मैंने पूरा डेकोरेट करवाया है। और डायरेक्टर ये खड़े हैं, उल्टी आ गई तेरे उससे, बच भी गया तू। असिस्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पैसा लगा हुआ है शूट पे और कोई मुझे अपडेट भी नहीं दे रहा है। 12 लाख 12 लाख कैश मैंने इनको सोवे दिए थे। जिंदगी में एक बार में 12 लाख कैश दिखा है। अभी आपको मेरी पहुंच का अंदाजा है। अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट दिखा, 12 लाख से ऊपर हुए तो अकाउंट में रखते ही नहीं। 10,000 रुपए मैं दूंगा, मेरे ब्लैक का पैसा। अच्छा मिस्टर पुसी, you got a right diamond buzz, put your hands and let's go girl, 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 let's go girl। पहला शॉट ही नहीं हो पाया अभी तक, कभी लाइट गिर रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये सब मुझे लगता है षड्यंत्र है किसी का हमारे शूट को रोकने का। वो है मोहित चिकारा, मोहित चिकारा जी का ये षड्यंत्र है क्योंकि उनका रोल छिड़ गया। काम मेहनत, क्या बात है, सुकून। सोने की एक्टिंग तेरे लोग के लिए करना पड़ता है भाई, क्या करूँ, तेरे को व्यूज नहीं चाहिए मुझसे। ओ सेट सेट सेट, ओए ओए तेरी। देखना तूने अभी क्या किया, ये बता सबको। क्या किया? एक डायलॉग मिस्टेक। और उसके बाद? उसके बाद मैं बताती हूँ, वाईफाई चेंज कर रहे थे और ये घुस गई सीधा अंदर। शर्म नहीं है कि भाई एक नॉक करते हैं? मुझे शुरू से इसकी नियत पे शक है। तहजीब एटिकेट। कौन से स्कूल से पढ़े हैं आप?
कोई वैल्यू नहीं है तुझे, फिर रिपोर्टर बोलेगा तो बिना नोक किए एक औरत के कमरे में घुस रहा है ब्लडी मेल मर्द आदमी पुरुष नर चोर, क्या लिखा है? क्या लिखा है? सबसे बड़ा नरेशन नहीं करी तूने, मेघना पढ़ लेगी, मेघना पढ़ी हो क्या लिखा है? मोहित भाई तुम बताओ चौबनिस्ट क्या है? हाँ जी, तो आज है भाई अपने शूट का तीसरा दिन एंड अपन लोग इधर पार्क में शूट है, इधर आए हैं एंड इधर दिक्कत ये हो रही है कि जो रेजिडेंशियल एरिया में पार्क है तो यहाँ पे हम शूट करने के लिए आए थे, बट थोड़ा सा हमें लग रहा है कि दिक्कत देने वाले हैं लोग यहाँ पे, जो सोसाइटी के लोग हैं, बिकॉज मुझे समझ नहीं आता क्यों देते हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं काम कर रहे हैं, ना किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, करने तो नहीं, सबको खुड़क करनी है बिन बात की। बाकी अभी देखते हैं, अभी हमें थोड़ा सा टोक दिया था जबकि हमने कैमरा भी नहीं निकाला था, तो सुबह सुबह बीटी हो गई, अभी हम शूट करने का सोच रहे हैं कैसे करें, हम वेट कर रहे हैं कि ये लोग निकल जाएँ पार्क से एंड तब हम अपना शूट चालू करें, तो सिचुएशन थोड़ी टेंस्ड है। ये देखो भाई आ गए बीटी देने, तो काम नहीं है किसी को। हाँ जी, तो जो सोचा था वही हुआ, जैसे कि मैंने कहा था आपको न्यूज में कि अभी अभी गैंग वाले मुंडे आके हमारा शूट रोक दिया, गैंग वाले मुंडे ने शूट रोक दिया गाइस, गैंग वाले मुंडे आ रहे मारने और हमें पार्क से भी निकाल दिया गाइस। भाई कुछ नहीं है, इनको सुबह सुबह टॉपिक चाहिए होता है बात करने का बस, अब इनको मिल गया एक डेढ़ घंटे का बात करने के टॉपिक और ये मसीहा बन जाएंगे, हमने अपना पार्क बचा लिया। तो भाई हम आ गए अपने दूसरे सेट पे, सेट कह रहा हूँ पार्क में, वहाँ पे पीछे देख रहे होगे वहाँ पे अब शूट वूट रहे हैं, और ये सही है क्योंकि ये थोड़ा मतलब बड़ा पार्क है और कोने में है, तो यहाँ पे किसी को इतनी दिक्कत नहीं है, सब अपने में मगन है। वो थोड़ा छोटा पार्क था और गैंग वाले मुंडे को दिख गया था कि वाह आज का मिशन मिल गया है हमें, तो वो आ गए थे अपनी तलवारें लेके हमारा सर काटने, लेकिन इधर चलो थोड़ा सेफ है, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क है, बिल्कुल कोने में ये झूले हैं, यहाँ पे किसी का ध्यान भी नहीं जाता। और क्या क्या काम किया आज है? दूर से बैठ के मुआयना ले रहे हो, जमीन खरीदने आए हो यहाँ पे? ये देखो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये इस ग्रुप का ग्वाला है, ये दिन में पीता है 5 लीटर दूध, भैंसें परेशान हो गई हैं दूध दे दे के, लेकिन ये अक नहीं रहा बंदा। हाँ जी, तो आज है भाई शूट का तीसरा दिन और मेरी हालत है बहुत ख़राब, क्योंकि तुमने ब्लॉग देखा होगा जैसे कि मैं कॉन्सर्ट में गया था और कॉन्सर्ट से मैं वापस आया हूँ सुबह 6 बजे और घर आते ही यहाँ पे आ गया वापस, यहाँ पे 7 बजे शूट था, तो हालत इतनी बुरी हो रखी है अभी, आँखें देखो कितनी सूज गई हैं भाई, सूज गई हैं, लेकिन कर रहे हैं भाई, ये गधा मजदूरी वाली जिंदगी कब हटेगी समझ नहीं आता मुझे। भैया ये हाँ ये करते हैं से पड़ेगा जी, हाँ ये मैं बता रहा हूँ, वो यहाँ पे ट्री हाउस कैफे आ गई है और हाँ ये किधर। हाँ जी, तो आज है भाई 5वां लास्ट दिन शूट का इस, और दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सुबह सुबह नींद ख़राब करके बुला लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद शूट में लगा देते हैं 2-3 घंटे, अभी 2 घंटे हो गए हैं जब से बैठे ही हूँ मैं, बस काश कुछ ख़त्म कर दूँ मैं एक दिन इन लोगों को। मैं अपने भाई के साथ नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, जिसको भी अपने किसी प्लॉट पे कब्जा करवाना है, घर से घर खाली करवाना है, तो हम दोनों बिल्कुल उसके लिए सक्षम हैं, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम जिसका भी घर खाली करवाना है, जिसकी भी ज़मीन हड़पनी है, यस वी कैन डू दैट। आज हमने इस आदमी का पूरा ज़मीन हड़प लिया है, ये देखो ये बेघर हो गया, इसका घर हड़पा है, ये देखो उदास है, तो वी आर गुड फॉर दिस, वी कैन डू दिस, रेडी बड़ी देसी ना बोलिया।
परेशान हो चुका हूँ इस शूट भरी जिंदगी से। कुछ नहीं इंटरेस्टिंग क्या व्लॉग बना रहे, मुझे कुछ बढ़िया बढ़िया बनाने ही नहीं। बोरिंग है सर। मुझे कभी कभी लगता है मैं ट्रैवलर बन जाऊँ और मैं बड़ी बड़ी ट्रिप्स लेके जाऊँ ट्रैक पे। रोडवेज भी तो नहीं चलती, कहाँ का जाएगा बस? बस से कहाँ का? फ्लाइट से जाऊँगा, एयरप्लेन से। प्लेन वाला बजट छोड़ा है तूने? एक्सक्यूज मी, दारू नहीं बियर। अब बियर दारू नहीं होती है, ये मैं कैंपेन चलाऊंगा। बाहर के देशों में पानी नहीं पीते, सिर्फ बियर, बस बियर, ओनली बियर, सुबह शाम बियर, रात बियर पीता है। बस बियर, ओनली बियर, बियर इज नॉट दारू। होटल में से बोर्ड का पैक किसने मारा था? वो तो तुम्हारे बर्थडे के लिए मार लिया मैंने, तुम्हारी खुशी। एक महीने बाद चैलेंज में आगे बढ़ते हैं। कितने हारे? 5,000 की शर्त हारते हुए 1400 लीड में थे, अब 3600 रुपए आ गए हैं आप। 10,000 की, अब 10,000 की है जी। कोई नहीं, मैं चैलेंज में ना, आ बुतेरे बोलने से थोड़ी होता है। हाँ, हमने बोल दिया, हो गया। सुनो भाई, मेरे पे करते नहीं जब मैं ये ऐसे, वो कहती है स्टॉप इट, मेरे पे क्लोज नहीं करते। आपका वो करते हैं, आपका उस डायलॉग पे ना, डायलॉग लीजिए एक बार। या दैट्स इट, नींद के झोंके आ रहे हैं, भड़ाभड़ भड़ाभड़ 5-6 कॉफियाँ पी ली हैं खुद को जगाने के लिए, बट इतनी कॉफ़ी पीनी नहीं चाहिए बिकॉज हार्ट रेट मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड मेरा हो चुका है। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा पानी पिए तब जाके सही लग रहा है भाई। पता नहीं, तो सर्दियों में शूट करो ना, आलस इतना आता है ना भैंचो, गजब। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भीनी भीनी सी धूप आ रखी है, सर्दियों वाली जो धूप होती है प्यारी प्यारी दिल्ली की, और उसके बाद चलिए एकदम हल्की हल्की हवा। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया का, ये स्लीपिंग पिल वगैरह जो भी लेते हो ना तुम, देखो सबसे पहले जो सुलाने पे आती है ना चीज़, वो है छोले भटूरे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है ये स्लीपिंग पिल विल, योगा वोगा से कुछ नहीं होगा। इस धूप में आओ, जिसको भी नींद की प्रॉब्लम है, ऐसी धूप के ऊपर जब हल्की हल्की हवा चले भाई, यूं 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 यूं। हाँ जी, तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वो गोल्डन आर आ रहा है, ओए तो मार दो। तो भाई आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड हमने तो भाई बहुत मजे किए, बहुत मजा आया। और अभी मैं शूट लोकेशन पे हूँ, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसकी लोकेशन पे शूट ऊपर चल रहा है, और मैं नीचे आया हूँ आपसे सीटी रिकॉर्ड करने। पता नहीं मैं इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाकी मेन मुद्दे पर आते हैं, अब तो तुम देख ही रहे हो मैं थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया हूँ। तो वो जो पहले वाली कुछ भी आर्मी थी ना, एकदम कट्टर कुछ भी आर्मी, उसको ज़िंदा करने का टाइम आ गया। तो कट्टर कुछ भी आर्मी वालों, कमेंट्स में आ जाओ, ठीक है, अपनी हाजिरी लगा दो, अटेंडेंस लगा दो। बाकी यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे अलग बकचोदी चलती है, प्लीज़ फॉलो कर लेना, डाल दूंगा लिंक नीचे। एंड बाकी तुम्हें पता ही है यार, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, गाज़ियाबाद रहो, कंसिस्टेंट रहूँगा। बाय।